माई ऑल 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 फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून सो फाइनली यार बारह बज चुके हैं एंड मैं जस्ट अभी फ्री हुई नहा वहाँ के रेडी होके आई हूँ एंड जस्ट आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ सो so, आज का दिन आधा तो निकल चुका है काम वाम करके एंड लंच बना रही थी मैं एंड अभी मैंने बनाया राइस एंड सब्जी बना हुआ है पत्ता गोभी एंड करेला हाँ पत्ता को भी फ्रिज में रखा है यानी कि वो कल रात का है एंड अभी पता नहीं मम्मी ने कोई सब्जी बनाया हुआ है सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर अपन बात करेंगे हाँ राइस जो कि मैंने बनाया है देखिए एंड ये है वो सब्जी करेले करेला एंड आलू जो कि मम्मी ने बनाया है आई होप आप लोगों को आज का लंच पसंद आएगा देखने में देखिए कितना डिलीशियस है यार बट मैं नहीं खाने वाली देख लीजिए एंड ये है राइस जो कि मैंने बनाया है फाइनली आप लोगों ने देख लिया मैंने राइस बनाया है एंड मम्मी ने करेला आलू की सब्जी बनाई हुई है एंड जो कि मैं नहीं खाने वाली बिकॉज मैं करेला नहीं खाती यार बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है एंड बचपन से मेरी आदत है कि मैं करेला कभी नहीं खाई बिकॉज बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है मुझे कड़वी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है बट कॉफ़ी पी लेती हूँ मैं बिकॉज़ मुझे स्लिम होना है सो कॉफ़ी पी लेती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ डाइट टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी बट तब करूँगी जब सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यानी कि एक हज़ार जब सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे ना तब मैं पूरा कम्प्लीटली अपने जो डाइट लिस्ट है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी एंड मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग स्लिम ज़रूर हो जाओगे यार बिकॉज मैंने उस टिप्स को करके आ, मुझे तो एक हफ्ते में पता चल गया था सो so, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ बिकॉज यार आप लोग मेरे बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा फेवरेट हो एंड अगर आपको कोई सपोर्ट करे ना तो वो उसके लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ सो so, आप लोग मेरे फेवरेट हो एंड हमेशा रहोगे सो so, यार गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो यार मेरी फैमिली का हिस्सा बनो सो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सपोर्टर बने बस एंड चलो वेदर देख के आते हैं मैं भी दो सॉरी मैं भी बाहर अभी निकली नहीं हूँ दोपहर हो चुकी है एंड दोपहर के बारह बज रहे हैं अभी लंच भी करना बाकी है फिलहाल मैं लंच नहीं करने वाली हूँ बिकॉज़ मैंने बिस्किट खा लिया है डाइट बिस्किट सो बस हो गया मेरा एंड रात को देखते हैं क्या खाती हूँ वैसे मैं खाना अभी कम कर दी खाने के लिए सो so, डाइट है यार क्या करें एंड चलो चलो वेदर देख के आते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे बिकॉज़ मैं बोलती हूँ तो बोलती ही रह जाऊँगी सो एक बार घूम लेते हैं बाहर मौसम कितना प्यारा है एंड जोर तेज से धूप निकली हुई है देखिए देखिए ये, ये कपड़े सूख रहे हैं बिकॉज कल कपड़े नहीं सूखे यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए एंड देखिए अभी वेदर कुछ ऐसा एंड काफ़ी तेज़ ज़्यादा धूप है यार बहुत प्यारा लग रहा है अभी तो देखिए आसमान को देखिए कितना प्यारा है। सूरज भी दिख पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं यार बट तो मुझे तो दिख ही रहा है देखिए कितना प्यारा वेदर है फाइनली आप लोगों ने वेदर देख लिया काफ़ी ज़्यादा प्यारा है यार एंड बहुत तेज़ धूप धूप नि, तेज़ निकली हुई है एंड अच्छा है यार वेदर कपड़े सूख रहे हैं धूप निकलना भी बहुत अच्छी बात होती है अगर धूप नहीं निकलेगा तो जो लोग खेती वगैरह करते हैं धान वगैरह लगाते हैं वो बेकार हो जाएगा ना इसलिए अच्छा है कि धूप निकल रहा है एंड uh, कपड़े भी सूखेंगे कैसे अगर धूप नहीं निकलेगा तो सो फाइनली धूप निकला है एंड कपड़े सूख रहे हैं जो कि बहुत खुशी की बात है ऐसा हम सब के लिए मेरे लिए नहीं आप सबके लिए भी खुशी की बात होगी बिकॉज कपड़े सूखेंगे तभी तो आप लोग पहनोगे यार अलग अलग कपड़े एंड uh, बस यार और क्या बताओ ऐसे ही चल रही है मेरी रूटीन एंड अभी घूमना तो जाना हो नहीं रहा है कहीं हो जाए यार कहीं जाने का ताकि मुझे और व्लॉग बनाने का मौका मिले अच्छी जगह पे एंड बाकी तो यही सब रहेगा यार घर का व्लॉग एंड बाहर वार गई तो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए एंड जो लोगों को गोरा होना है जैसे कि मैंने बीच में अभी एक व्लॉग बनाया था कि जो लोगों को गोरा होना है उन लोगों को मैं टिप्स देने वाली हूँ एंड ऐसी टिप्स दूंगी जिसमें आप हंड्रेड परसेंट गोरे हो जाओगे एंड आप लोग मेरी स्किन देख ही सकते हो जिन लोगों को मेरा स्किन पसंद है स्किन कलर एंड सो वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसा स्किन कलर करना है एंड ऐसे ही हो रहा होना है सो मैं मैंने जो अपने ऊपर आजमाया है मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बट अभी नहीं करूँगी बिकॉज अभी कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड जिस दिन मेरे एक हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीटली हो जाएंगे उस दिन मैं सबको दिल खोल के अपनी ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ सो गाइज जल्दी करो यू कैन डू इट आप लोग कर सकते हो यार करो करो जल्दी करो लेट वस्त करो यार इंतज़ार है क्रिसमस तक एक मेरा एक हज़ार सब्सक्राइबर करवा दो यार क्रिसमस इज मेरा फेवरेट फेस्टिवल है एंड क्रिसमस के टाइम बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे सो so यार जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करो यार प्लीज़ गाइज प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी एंड वो बाजू में बैग रखा हुआ है बिकॉज आज कपड़े प्रेस करने के लिए जाने वाले हैं बाहर एंड वो मेरे भाई के कपड़े हैं उसने अपने डाल दिया है झोले में सो so वो प्रेस वगैरह करवाएगा अपना ड्रेस एंड मार्केट uh, जाने का प्लान तो था यार मैं उतना दिन से आप लोग को बोल रही हूँ कि मुझे टेलर के पास जाना था मेरे ड्रेस ठीक कराने के लिए बट जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी वो चल नहीं पा रही है उनके पैर में मोच आ गया है इसलिए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं एंड मैं अकेले तो जाती नहीं कहीं कहीं भी जाती हूँ मम्मी के साथ है मम्मी भी अकेले कहीं नहीं जाती वो भी जाती है तो मेरे को लेकर जाती है तो पापा भाई इन दोनों में से किसी ना किसी हम तीनों में से किसी ना किसी को लेके जाती है सो मेरा भी ऐसे ही है मैं भी कहीं नहीं जाती अगर मैं जाऊँगी तो या तो भाई के साथ या तो पापा पापा के साथ या तो मम्मी के साथ तो तीनों बजे एक के साथ तो जाती ही हम लोग का ऐसे ही एंड बस यार इंजॉय कर रहे हैं और क्या करेंगे सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा एंड रात की स्टोरी क्या बताऊँ रात की स्टोरी मैं कल आप लोगों को मॉर्निंग ब्लॉग में बताऊँगी सो so, आज का ब्लॉग मैं यही तक ही रखती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार कितना लेट कर रहे हो एंड और क्या बोलो सबसे यूनिक चैनल है मेरा मैं किसी की कॉपी नहीं करती और ना कभी करूँगी बस अपनी दिल की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मेरे साथ मेरे लाइफ में होता है मैं वही आप लोगों के साथ बताऊँगी सो प्लीज़ कभी भी मेरे चैनल को बुरी नज़र मत लगने देना मैं अपना चैनल आप लोग के भरोसे छोड़ती हूँ सो प्लीज़ कभी भी कॉपी मत आने देना यार एंड आप लोग मेरे फ्रेंड हो आप लोग ही मेरी केयर करोगे बिकॉज एक फ्रेंड ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो एक दूसरे की केयर करे एक दूसरे की मदद करे सो so मैं आप लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ करोगे मुझे पता है एंड मैं भी आप लोगों से के लिए कुछ करूँगी अगर मेरे मेरा भी कुछ होता है तो सो so मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो so मैं भी अपनी तरफ से दिल खोल के आप लोगों को प्यार करूंगी सो गाय सपोर्ट फॉर मी बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो एंड अब चलती हूँ लंच नहीं लंच नहीं करना है अब देखते हैं क्या करूँगी सो so, आप लोग अच्छे से रहिए यार सब लोग लंच कर लेना याद से एंड बाय बाय तो बोलने का मन नहीं करता बट बाय बोल रही हूँ बिकॉज काम कर कुछ कुछ काम करने है यार एंड गुड नाइट बिकॉज नाइट का व्लॉग तो मैं शूट नहीं करूँगी सो so, अभी से गुड नाइट एंड अच्छे से रहना अच्छे से सोना एंड सुबह उठ के मेरे व्लॉग देखना यार अगर अच्छा लगता है मेरा व्लॉग देखना तो और कुछ नहीं बोलूँगी सो so, बाय गाइस सी यू फॉर मॉर्निंग लॉग तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से रहिएगा एंड अपनी फैमिली की केयर कीजिएगा सो so, बाय बाय